इस वीडियो में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बी एड फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका थर्ड पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उसकी पहली यूनिट है पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मेनली साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है एजुकेशन की फील्ड में तो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल होता है जिससे कि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके अगर आप ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो प्रीवियस जो कंटेंट होता था टीचर के पास वही आगे स्टूडेंट को सप्लाई किया जाता था उसमें कोई भी नया कंटेंट नए नए एग्जाम्पल्स या नए नए तरीके उसमें इनोवेट नहीं हो पाते थे वही पुराना तरीका आगे फॉलोअप होता था उनका करिकुलम भी काफ़ी बेकसिकस था लेकिन अब मॉडर्न टाइप की बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ किए जाते हैं लर्निंग के प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए काफ़ी एलैबरेट मैनर में नए नए कॉन्सेप्ट नए नए आइडियाज़ को इवेल्यूट करने के लिए दैन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसिडर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन लर्निंग लर्निंग में या एजुकेशन में तरह तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करना इफेक्टिव यूज़ करना ही क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है बट ये इनकम्प्लीट डेफिनीशन है पूरी तरह से ये कम्प्लीट नहीं है इसमें और भी परस्पेक्टिव एड ऑन होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी तो पहले हम एजुकेशन की मीनिंग और डेफिनीशन पढ़ेंगे फिर हम टेक्नोलॉजी की मीनिंग और डेफिनीशन्स पढ़ेंगे फिर फाइनली हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग और डेफिनीशन्स पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में और एजुकेशन या टेक्नोलॉजी दोनों को ही अलग अलग सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा आपको कितने किस तरह से आपको अपने आंसर को इलाबरेट फॉर्म में लिखना है तो अगर टू द पॉइंट लिखना होगा तो आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको इलाबरेट करना होगा आंसर को तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को ही अलग अलग बता सकते हैं एजुकेशन के बारे में अगर पढ़ें तो जो टर्म एजुकेशन है ये दो लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है एजुकेयर और एडिकैटम एजुकेयर का मतलब होता है ट्रेन अप होना मोल्ड अप होना या टू ब्रिंग अप लीड आउट और टू ड्रॉआ आउट यानी जब कोई भी एजुकेशन हम गेन करते हैं तो अपने आप को हम पूरी तरह से ट्रेन करते हैं अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं ठीक है ब्रिंग अप करते हैं लीड आउट करते हैं तो ये एजुकेयर का मतलब हो जाएगा एडुकेटम की मतलब की बात करें तो एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब ये टीचिंग का एक एक्ट एक है किस तरह से टीचिंग होगी किस मेथड से होगी किस तरीके से होगी उस पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पूरा डीट कर लेंगे ठीक है शिक्षा संस्कृत वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर ब्रांच है सूत्र लिटरेचर की जिसमें सिक्स ब्रांचेज आती हैं शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्ता ज्योतिष एंड कल्पा सूत्र लिटरेचर डिज़ाइन किया गया था वेदास को पढ़ने के लिए याद करने के लिए शिक्षा डिनोट की जाती है जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स होते हैं उनको और जो विद्या होती है ये नॉलेज कहलाती है ठीक है इन दोनों को ही टर्म है जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं संस्कृत के फॉर्म में अब जो अलग अलग इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने एजुकेशन की अलग अलग डेफिनीशन दी थी तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन लाइक फायर इन अ पीस ऑफ लिंट नॉलेज एक्जिस्ट इन द माइंड सजेशन इज़ द फ्रिक्शन विच ब्रिंग्स इट आउट स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन थी कि एजुकेशन जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन का जो कि मैन के अंदर पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग होता है सिर्फ उसको एक फ्रिक्शन चाहिए होता है ठीक है जिससे कि वो बाहर आ सके ठीक अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर एजुकेशन मीन्स इस्टेबलिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ और सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो थी वो एक कोऑर्डिनेशन के इस्टेबलिशमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि आपके अंदर जो इनहेरेंट पावर्स थी इनहेरेंट पावर्स यानी जब आपने बर्थ लिया था ये जनजात होती हैं आपके अंदर नॉलेज एक्वायरिंग कैपेसिटी या मेमोराइजिंग कैपेसिटी ये सभी इनहेरेंट पावर्स आपके पास जो होती हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन बनाना कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना बाहर के इन्वामेंट से बाहर की सोसाइटी से नाउ अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राॅइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड स्पिरिट यानी आपकी बॉडी से माइंड से स्पिरिट से आप पूरी तरह से अपना बेस्ट क्या बता सकते हैं जो अपनी एजुकेशन गेन करते हैं तो अपनी बॉडी माइंड स्पिरिट से आप एकदम बेस्ट जो बनते हैं चाइल्ड या मैन ये महात्मा गांधी ने बताया था देन मीनिंग और डेफिनीशंस ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप टेक्नोलॉजी भी बता सकते हैं ग्रीक वर्ड से लिया गया था टेक्निक जिसका मतलब होता है आर्ट या ये रिलेटेड होता है स्किल्स से आपकी उसके बारे में आप डेफिनेशंस बता सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की आवाज़ आते हैं हम टेक्नो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग पे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड एवेलुएशन ऑफ सिस्टम टेक्निक्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं एप्लीकेशन करते हैं सिस्टम का इवेलुएशन करते हैं टेक्नीस का इस्तेमाल करते हैं जो सभी चीज़ें किस चीज़ में एड करती हैं ह्यूमन लर्निंग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्प्लीकेशन ऑफ़ फिजिकल साइंसेज इसमें फ़िजिकल साइंसिस का एप्लीकेशन किया जाता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी एक्ट्रो मेनिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पजेज़ हार्डवेयर जो क्लास रूम का अगर आप एक्जाम्पल लें तो जो यूज़ होते हैं प्रोजेक्टर वगैरह वो इंस्ट्रक्शनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं दैन इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं अलग अलग स्कॉलर्स ने दी थी अकॉर्डिंग टू जियलित एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है आपकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी है लर्निंग के बारे में या फिर आपकी लर्निंग की कैसी कंडीशन से कैसे इन्वामेंट में आप लर्न कर रहे हैं याद करने की कोशिश कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इफ़ेक्टिवनेस होगी और कितनी इफिशेंसी से आप लर्निंग कर पाएंगे वही टीचिंग के लिए भी है डिपेंड करता है कि आपकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी है टीचिंग को लेके और और कैसी कंडीशंस हैं टीचिंग जब आप कर रहे हैं टीचिंग में कंडीशंस कैसी हैं वो डिपेंड होंगी वो इंप्रूव करती है आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो टीचिंग और लर्निंग दोनों पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए कॉक्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैथ्स लर्निंग कंडीशन ठीक है ये रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा दी गई थी तो ये जो डेफिशन है इनका एज सच कोई डेफिनेट मतलब तो नहीं होता है लेकिन आपको इनको किसी ना किसी तरह से को रिलेट करके आपको इन्हें याद करना रहता है और एग्जैक्ट एग्जाम में लिखना रहता है आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनीशन्स हैं दी गई हैं ये तो ये बहुत ढेर सारे डेफिनीशन्स हैं आपको जो सुटेबल लगती है आप वो याद कर सकते हैं जिन पर टिक लगा है वो मैंने याद किए थे वो मुझे सही लग रही थी इस वजह से अकॉर्डिंग टू ऐसा स्कूल करनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प पर प परस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एस के मित्र एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई कैन बी कंसीव एज अ साइंस ऑफ टेक्नीस एंड मैथड्स बाई विच एजुकेशनल गोल कूड भी रियलाइज्ड यानी तरह तरह के साइंस और टेक्नीस का इस्तेमाल करके मैथड्स का इस्तेमाल करके एजुकेशन की फील्ड में हम एजुकेशनल गोल्स को क्या कर सकते हैं है? मतलब अचीव कर सकते हैं या रियलाइज मतलब वही अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आई के डे विज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन जो भी एजुकेशन की फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं या ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट में आप जो बच्चों को ट्रेनिंग का कॉन्टेक्स दे रहे हैं यानी उन्हें पढ़ा रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है तो उसे करैक्टराइज़ किया जा सकता है डिसिप्लिन के मैनर से या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस ये और भी डेफिनेशन दी है आप देख सकते हैं अब नेचर ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखते हैं बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है क्योंकि इसके नाम से ही डिफ़ाइन हो रहा है ये तो साइंस या टेक्निकल एडवांसमेंट अगर होगी तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होगी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इफेक्ट होता है वो एजुकेशन की फील्ड में हमें देखने को मिलता है कैसे देखने को मिलता है जब कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने क्लासरूम में करेंगे एजुकेशन की फील्ड में करेंगे तो उसका फीडबैक भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें तब कोई कॉन्सेप्ट को कोई चीज़ को पढ़ाए तब उसका फीडबैक आपको अलग मिलेगा तो डिफरेंस होता है इन अदर वर्द्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूज अंडर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर ही यूज़ की जाती हैं हैंस वी कैन से दैट इट इज अ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ साइंस देन इट इज़ अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक कॉन्टिन्यूस लगातार चलने वाला प्रोसेस है डायनेमिक है प्रोग्रेसिव है डे बाय डे इंक्रीज़ करता जाता है ठीक है आउटकम इसका इंक्रीज़ करेगा फीडबैक इंक्रीज़ करेगा और इफ़ेक्ट प्रोड्यूसिंग मैथड है इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा जब आप इसका यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ में कहीं पर भी तो आपको इसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा या तो पॉजिटिव मैनर में या तो नेगेटिव मैनर में देन फोर्थ है एम्फेसिस ऑन टीचिंग लर्निंग मैथड्स एंड टेक्निक्स ये क्या करता है एक तरह से मैथड्स और टेक्निक्स को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है आपका टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को पूरा इफेक्टिव बनाता है आप जितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा ठीक है देन कॉम्प्रहेंसिव टर्म मतलब यहाँ पे हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो हमारे पुराना जो रखा हुआ है हमारा मटेरियल टीचर के पास जो भी मटेरियल रखा हुआ है वो आगे पास ऑन होता है तो आपको लगता है कि कोई भी नया कॉन्सेप्शन उसमें आ पाएगा उसमें कोई नया कॉन्सेप्शन नहीं आएगा प्रीवियस जो भी उसका एक्सपीरियंस है प्रीवियस उसके पास जो भी कंटेंट है टीचर के पास वही आगे पास ऑन होगा लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो नए नए कॉन्सेप्शन जो है वो पॉसिबल होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए कॉन्सेप्शन नए आइडियाज़ आ सकते हैं ठीक है टीचिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी

हैं फर्नीचर्स होते हैं टीचर्स होते हैं वो सभी इनपुट की तरह काम करते हैं लेकिन जो वहाँ पे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं टेक्निक्स या स्ट्रैटजीज अप्लाई की जाती हैं टीचिंग या एग्जामिनेशन एक्ट जो वहाँ पर होता है जो कि ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से कराया जाता है सब कुछ वो क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के तहत आता है ये सभी चीज़ें आउटपुट हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैक्रो लेवल पर भी आप लिख सकते हैं माइक्रो लेवल पर भी लिख सकते हैं तो ये सभी पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं बिकॉज एक एक पॉइंट को रीड करके फिर एक्सप्लेन करना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं ये माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं स्कोप क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यहाँ पे हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा ठीक है इफेक्टिव हो जाएगा तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ट्राइज टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ़ टीचिंग एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रोसेस मीन्स टीचिंग का प्रोसेस कैसे कराया जाएगा कितने समय के लिए कराया जाएगा कैसे वो इफेक्टिव किया जा सकता है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग फेज़ ऑफ टीचिंग फेज भी अलग अलग होते हैं टीचिंग के प्री एक्टिव पोस्ट एक्टिव ये फिर लेवल्स होते हैं टीचिंग के ठीक है रिफ्लेक्टिव लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल लेवल होता होता है है मेमोरी थ्योरीज ऑफ टीचिंग होती है प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के और लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है रिलेवेंस ऑफ द थ्योरीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग देन स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टाइज टू डिस्कस द टॉपिक सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स किसी बच्चे का क्या एजुकेशनल गोल है उसका क्या एम है क्या उसकी एस्पिरेशन है वो भी हम इसे पता लगा सकते हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव को उसको फुलफिल कर सकते हैं उसकी सेटिस्फैक्शन उसको दे सकते हैं है, उसकी नीड को डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम दिस करिकुलिसक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज विद डिज़ाइनिंग ऑफ सुटेबल करिकुलम ठीक है अब जैसे पे जो वाला मैंने बताया था करिकुलम होता है वही आगे चलता रहता है तो एक नए करिकुलम का डेवलपमेंट भी हो सकता है इसमें फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटीरियल इन व्यू ऑफ स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करिकुलम एन अवेलेबल रिसोर्सेज ठीक है इसकी मदद से हम तरह तरह के नए मटीरियल का प्रोडक्शन कर सकते हैं सुटेबल so मटीरियल बना सकते हैं ठीक है फिफ्थ है टीचिंग प्रिपरेशन और टीचिंग ट्रेनिंग टीचर है जो किसी भी प्रोसेस का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक की फिगर होता है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक टीचर को भी प्रॉपर प्रिपरेशन दे सकते हैं कि कैसे वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिस्पॉसिबिलिटीज़ को भी इजीली हैंडल कर सकता है देन डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ एंड टॉपिक्स एस्पेक्ट डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ट्राइज टू डिस्कस द वेज ऑफ डिस्कवरिंग सेलेक्टिंग डेवलपिंग सुटेबल स्ट्रैटेजीज़ एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग अब टीचिंग भी जो है वो किस मैथड से की जाए किस तरीके से की जाए सिर्फ लेक्चर मैथड दिया जाए या एक्सप्लेनेशन मैथड दिया जाए या क्वेश्चन आयर कराया जाए ये सभी चीज़ें भी इसमें सेलेक्ट की जाती हैं दैन डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुल ऐड्स प्रॉपर ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना जब जहाँ वो जरूरत होता है टीचिंग लर्निंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंसड एंड बेनिफिट बाय द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुल ऐड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कवर इट्स आस्पेक्ट बाई डिस्कसिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यूज फॉर एजुकेशनल परपजेस दे आर प्रॉपर सिलेक्टिंग सूटिंग फॉर अ पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन यानी जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो जहाँ पर जो भी ऑडियो विजुलअल एड का इस्तेमाल आप करते हैं तो वहाँ पर वो सूट होना चाहिए प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए वहां उसकी जरूरत होनी चाहिए तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया तो यहाँ पे आप तरह तरह के गैजेट्स का इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सच सिस्टम ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे फॉर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ठीक है तो यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब करते हैं टू प्रोवाइड एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवेल्यूशन इसकी मदद से हम प्रॉपर इवेलुएशन कर सकते हैं इवेल्यूशन का मतलब होता है आपने जो कुछ भी पढ़ाया है जो कुछ भी आपने टीचिंग की है तो उसका क्या आपको रिजल्ट मिला क्या फ़ीडबैक मिला तो वो आप टेस्ट के माध्यम से एम के माध्यम से रिटर्न या ओवरऑल टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं तो यहाँ पर ये इसेंशियल फीडबैक लेने में भी काफ़ी मदद करता है तो ये थे सिग्निफिकेंस अब देख लेते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कि एक्सपेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यहाँ पे टाइम और प्लेस uh, का एक्सपेंशन हो जाता है जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जैसे सौ दो सौ बच्चे हैं तो आप इतनी तेज़ नहीं बोल सकते कि सबको प्रॉपरली सुनाई दे समझ में आए तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे आप माइक का यूज़ करेंगे तो माइक की मदद से आप एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा सकते हैं डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया कोई टॉपिक समझाया तो उसके में अपने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया आपने दो एग्ज़ाम्पल दे दिया अगर तभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी मदद से आप वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेप्थ हो सकती है इसके माध्यम से देन टीचिंग वर्स लर्निंग वर्सेस टीचिंग तो जितनी अच्छी यहाँ पे टीचिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टीचिंग जो है वो एक की फैक्टर है क्योंकि अगर टीचिंग प्रॉपरली नहीं की जाएगी सही सुटेबल यूजेस नहीं होंगे इक्विपमेंट्स के तो लर्निंग भी सही नहीं होगी न्यू मीडिया फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन ये क्या है यहाँ पे अगर किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है कोई सेल्फ एक्सप्रेशन करना चाहता है अपनी तरफ से कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है पहले होती थी क्लासेस में अभी भी कुछ स्कूल में चलती है जहाँ पे बच्चे जो है अपने घर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाते हैं और क्लास में प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से तो ये सभी चीज़ें हो सकती है कोलेबोरेशन हो सकता है यहाँ पर आप टीम वर्क करा सकते हैं बच्चों को सात बच्चों को एक ग्रुप बाट बना सकते हैं उसमें पर्टिकुलर टॉपिक दे सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट सॉल्विंग में हम पढ़ते हैं वैसे गोइंग ग्लोबल देन इन इंडिविजुअल पेसिंग एंड सीक्वेंस हर एक बच्चा जो है अपनी ओन स्पीड से भी पढ़ सकता है यहाँ पर जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स आर ऑल डिफरेंट इफॉर्मेशन टेक्नोजी कैन परमिट दैम टू ब्रेक स्टेप विद द क्लास एंड गो एट अ पेस एंड ऑर्डर दैट सूड दैट स्टूडेंट्स बेटर ठीक है वो अपने पेज से आगे बढ़ सकते हैं विदाउट डिस्टरप्टिंग द क्लास दे कैन रिपीट डिफिकल्ट लेस एंड एक्सप्लोर वर्ड दे फाइन इंटरेस्टिंग जैसे क्लास में आप हैं कोई टॉपिक पढ़ाया गया आपको नहीं समझ में आया तो आप घर जाकर उस टॉपिक को दोबारा से देख सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे मोबाइल पर देखेंगे यूट्यूब पर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना तो ये चीज़ है आप अपने अपने ओन पेज से भी आगे बढ़ सकते हैं पर्सनल प्रोडक्टिविटी होती है सेविंग होती है और अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं इसके माध्यम से फंक्शंस की बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फंक्शंस तो फिक्सिंग गोल्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के जो मेन गोल्स होते हैं उनको ये फ़िक्स करता है देन डेवलपमेंट ऑफ़ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स टीचिंग लर्निंग के मटीरियल्स को ये डेवलप करता है अच्छे सा अच्छा मटीरियल <coughs> 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 थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ़ ऑडियो विजुअल एड्स ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ होता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ़ द कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर एप्लीकेशन लिख लेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को प्रॉपर यूज़ ऑफ़ टीचिंग एड्स एंडरिच द डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन क्योंकि टेलीविजन रेडियो कंप्यूटर्स लैपटॉप टेलीविजन टेप रिकॉर्डर इन्हीं सब की मदद से तो जो डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन करते हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है ट्रेनिंग भी मिल पाती है प्रॉपरली इनोवेशन भी होता है क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो नई नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी नया कॉन्सेप्ट आएगा ठीक है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिड्यूस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देखी हमने एप्लीकेशंस भी देखे फंक्शंस भी देखे एजुकेशनल educational...